आज हम इस वीडियो में Realme 2 Pro की जो लेटेस्ट अपडेट है उसे मैन्युअली डाउनलोड करके उसके चेंजेस देखेंगे। तो फर्स्ट सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं सिस्टम अपडेट में कुछ है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जी नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो एक्चुअली मैंने मैन्युअली फ़ाइल डाउनलोड कर लिया था, तो अब वहाँ जाते हैं फाइल मैनेजर से, वहाँ जाके हम फाइल को इंस्टॉल करते हैं। तो हमने अब सिस्टम को अपडेट कर लिया है और अब देखते हैं कि अपडेट्स होने के बाद क्या चेंजेस है। तो फर्स्ट तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में पूरा ही चेंज हो गया है, जो उनका लेटेस्ट अपडेट था 6.0.1 पूरा वैसा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे 6.2.5 आ रहा है, मीन्स सिस्टम टोटली अपडेट हो चुका है। तो इनका जो फर्स्ट चेंज है वो है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, ये देख सकते हैं। और जो मोस्ट यूजफुल इनका अपडेट था इसमें, ये था रियलमी लैब में डार्क मोड। अब डार्क मोड को हम ऑन करके देखते हैं, ये हमने इनेबल किया और आप देख सकते हैं इंटरफेस कैसे चेंज हो चुका है पूरा। ये देखिए कितने सारे ऐप्स को डार्क मोड सपोर्ट करता है। एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियलमी कम्युनिटी को मैंने खोला है, यहाँ देखिए कम्युनिटी की पूरी पेजेस कैसे दिख रहे हैं। ये नीचे जाके मैंने रियलमी 2 प्रो का अपडेट चेक करता हूँ जो कम्युनिटी में पेज आया है। और एक्चुअली इसमें नोटिफिकेशन डिसमिस का भी अपडेट आ चुका है, आप दोनों साइड से नोटिफिकेशन डिसमिस कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है जो ऐप क्लोन का सेक्शन था, उसमें और भी एप्लीकेशंस को हम क्लोन कर सकते हैं, देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड करवाई है रियलमी ने, जो कि हम क्लोन कर सकते हैं ऐप क्लोन में। अब डार्क मोड को ऑफ करके देखते हैं कैसा यूज हो रहा है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है इंटरनेट स्विच का ऑप्शन, जो कि नोटिफिकेशन पैनल में आ चुका है। अब हम डायरेक्ट सिम वन से सिम टू में डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, ये देखिए मैंने अभी स्विच करके देखा। तो आपको सेटिंग वगैरह में जाके वहाँ से आप सिम को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी चाहें तो नोटिफिकेशन पैनल से सिम वन से सिम टू या सिम टू से सिम वन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में एक और है ऑप्शन कॉल्ड ग्रे स्केल, ये देखिए ग्रे स्केल का ऑप्शन है। फिफ्थ चेंजेस है ऐप ड्रॉअर में, जो ऐप ड्रॉअर है पहले से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो चुका है, जो यूआई है काफ़ी
तो नहीं, बस थोड़ा सा चेंजेस यूआई में आया हुआ है। सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है फिंगरप्रिंट सेक्शन में। अब फिंगरप्रिंट सेक्शन में आप चाहें तो अपने किसी भी फिंगर से जो हिडन ऐप्स हैं, हिडन ऐप के एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जो पूरा फोल्डर होगा आपको डायरेक्ट ही उस फिंगरप्रिंट को टच करते ही पूरा फोल्डर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी चाहें तो वो फिंगरप्रिंट आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी नया ऑप्शन था रियलमी की तरफ से। रियलमी 5 और रियलमी 5 प्रो के अलावा भी कुछ नए डिवाइसेस में ये ऑप्शन थे, और अब ये रियलमी 2 प्रो में भी आ चुका है। आप देख सकते हैं अबाउट फ़ोन में लेटेस्ट अपडेट है 3.25 का, और जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो भी November 5th, 2019 का है। जो लास्ट चेंजेस है वो है क्लीन स्टोरेज का। क्लीन स्टोरेज का एक डायरेक्ट आइकन आ चुका है, जिसे कि आप होम से डायरेक्ट क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए क्लीन स्टोरेज को मैं डायरेक्ट अपनी जगह होम स्क्रीन पे करके ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो ये नया ऑप्शन था, जिसे बिना फाइल मैनेजर में जाके, बिना होम मैनेजर में जाके आप डायरेक्ट क्लीन कर सकते हैं स्क्रीन से।